एंड वेलकम टू चाणक्य IAS अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं धरती के अपने खुद के सूरज के निर्माण के बारे में। और यह सूरज क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि हमारी ऊर्जा की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यदि हम अपने परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो उनसे पर्यावरण का प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे उनमें सबसे पहला उदाहरण होता है कोयला, और कोयले से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक है। उसके बाद हम मूव किए थे सौर ऊर्जा पर। सौर ऊर्जा पर्यावरण के लिए फ्रेंडली है, लेकिन उसने भी एक नई समस्या को जन्म दिया, और उस समस्या का नाम है ई वेस्ट। अब इस समस्या से बढ़ने के लिए हमने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाए, और वही कदम है आर्टिफिशियल सन की ओर। अब हम यह जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल सन क्यों खबरों में था। क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को अपनी लैब में कंप्लीट किया है, और उस प्रोसेस में उन्होंने 59 मेगावाट ऊर्जा को नियंत्रित एनवायरनमेंट में बनाया है। और यह पहली बार नहीं है, इसके पहले चाइना भी ऐसा कर चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है कि हम किसी भी एक एटम पे हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं। वैसे जरूरी नहीं कि यहाँ न्यूट्रॉन की ही बमबारी हो, गामा रेज से भी कर सकते हैं और ये काम प्रोटॉन से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अभी प्रायोगिक रूप से देखें तो हम न्यूट्रॉन का ही इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम बमबारी करते हैं एक एटम के ऊपर तो उससे होता क्या है, वह अपने आप में दो हिस्सों में टूटता है, और इस दो हिस्सों में टूटने के बाद ही उसमें से एनर्जी भी निकलती है। और इस एनर्जी के निकलने के बाद अब क्या होता है, हमारे पास जो न्यूट्रॉन था वह न्यूट्रॉन अभी भी वहीं रहता है, और जो दो नए एटम बने हैं उन दोनों पे फिर से वो बॉम्बार्डिंग करता है, और यह क्रिया लगातार आगे बढ़ती जाती है और एनर्जी बनती जाती है। यदि हम बात करें वर्तमान समय की तो हमारे पास जितने भी रिएक्टर हैं वो इसी न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है। आगे अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फिजन अभी से नहीं, यह बहुत पहले से हमारे साथ है, लेकिन इसके साथ क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को जान लेना जरूरी होता है। हालांकि यह वातावरण के लिए फ्रेंडली है, लेकिन इसने भी अपनी कुछ समस्याएं उत्पन्न की, और उन समस्याओं के बारे में आगे हम जानेंगे। इनमें सबसे पहली समस्या क्या थी, इस पर सबसे पहली समस्या हो जाती है रेडिएशन रिलीजिंग न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। यदि कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उसमें इतना ज़्यादा रेडिएशन होता है कि वह मानव सभ्यता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसमें सबसे पहला उदाहरण आता है रशिया के चेर्नोबिल का। उसके बाद जो दूसरा उदाहरण मिलता है हमें वो है सुनामी के बाद जापान के फुकुशिमा में आए न्यूक्लियर एक्सीडेंट से। उसमें हुआ क्या था, सुनामी के बाद जो फुकुशिमा का न्यूक्लियर प्लांट था उसमें से न्यूक्लियर रिसाव प्रारंभ हो गया, और इस रिसाव की वजह से एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर दुर्घटना की संभावना उत्पन्न हुई। तो इसकी वजह से ये सामने आया कि कैसे जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो मानव सभ्यता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसकी यदि हम दूसरी समस्या के बारे में बात करें तो दूसरी समस्या होती है कंटामिनेशन ऑफ एयर एंड वाटर। वाटर कंटामिनेशन की यदि हम बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक और मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो हमारे नाभिकीय रिएक्टर होते हैं वह तो रिजर्वायर के करीब बनाए जाते हैं, या झीलों के या नदियों के करीब बनाए जाते हैं, और उनसे सीधे पानी को लेकर रिएक्टर में भेजा जाता है। लेकिन जब वो शीतलक और मंदक की तरह काम करें उसके बाद होगा क्या, वो बहुत अधिक गर्म रहते हैं, और उस गर्म पानी को सीधे ही नदियों में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि पहले उसको स्टोर किया जाना चाहिए, और जब वह ठंडा हो जाए और उसके बाद ही उसको डिस्चार्ज किया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत अधिक जल यूज़ होता है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता, और अधिकतर रिएक्टर ऐसा करते भी नहीं है। तो उससे होता क्या है, जब यह गर्म पानी वाटर बॉडी में जाता है तो उसके pH पे इसका फर्क पड़ता है, और दूसरा फर्क पड़ता है डिसॉल्व ऑक्सीजन पे। अभी डिसॉल्व ऑक्सीजन होता क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन पर मात्रा होती है पानी में जो घुल सकती है, और यह जरूरी किसके लिए होती है, यह जरूरी होती है जल में जल जीवन के लिए, जैसे कि मछलियों के लिए, शैवाल के लिए, इन सब के लिए जरूरी होती है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ यह जान लेना जरूरी होता है कि गर्म पानी की जो डिसॉल्व ऑक्सीजन क्षमता होती है कम होती है। तो जैसे ही डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो उससे होगा क्या, मछलियों की मौत हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पानी के लिए खतरनाक हो जाता है। और दूसरी अगर हम बात करें कि कैसे एयर कंटामिनेशन कैसे करता है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाला स्मोक होता है उसमें NOx अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें NO नाइट्रिक ऑक्साइड या NO2
वो वातावरण में रिलीज होते हैं और ये वातावरण के लिए खतरनाक होते हैं। हालांकि इनकी मात्रा कम होती है और कोयले के मुकाबले ये फ्रेंडली हैं, लेकिन फिर भी ये GHG में अपनी भूमिका रखते हैं। चलिए अब जान लेते हैं हम कि अगली प्रॉब्लम क्या होती है। यहाँ अगली समस्या होती है जो सबसे बड़ी समस्या है, वह है नाभिकीय प्रोलिफरेशन की, अर्थात नाभिकीय हथियारों की। यदि हम बात करें कि किन देशों के पास नाभिकीय हथियार अभी हैं, उनमें US, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, इज़राइल, नॉर्थ कोरिया आदि देश शामिल हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि नाभिकीय हथियार किसी भी आतंकवादी संगठन के हाथ लग गए तो वह विश्व सभ्यता के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जैसे यदि हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में हाल ही में तालिबान की सरकार आई। अब यदि तालिबान के पास नाभिकीय हथियार होंगे तो वह कितनी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है पूरे विश्व के लिए, यह जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और इसी वजह से नाभिकीय रिएक्टर जो हैं उनको एक खतरा माना जाता है। तो अब हमें यह जान लेना जरूरी होता है कि इसके विकल्प क्या हैं हमारे पास। उन्हीं विकल्पों के लिए आइए हम चर्चा करते हैं नाभिकीय फ्यूज़न के बारे में। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में होता क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या है, ये एक ऐसा साइंस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है दो एटम्स को फ्यूज़ करके। अब वो फ्यूज़ कैसे करेंगे हम, उस फ्यूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। और इसमें जनरली क्या यूज़ होता है, इसमें जनरली हाइड्रोजन यूज़ होता है। हाइड्रोजन के यूज़ होने का कारण ये है क्योंकि जब अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य को ऊर्जा का स्रोत कैसे माना जाता है और सूर्य का खुद का ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य में हाइड्रोजन जो दो परमाणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं, और यही हीलियम हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के दो आइसोटोप, जैसे कि एक ट्राइटियम और दूसरा ड्यूटेरियम, इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मिलाया जाएगा और उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा हीलियम। अब ये हीलियम बनने के साथ साथ उसमें एक फ्री न्यूट्रॉन भी निकलता है। अब यदि इसको हम फिजन से कंपेयर करें तो वहाँ हमने न्यूट्रॉन की बम्बॉइडिंग की थी और उससे दो एटम बने थे। यहाँ क्या हुआ, हमारे पास दो एटम थे, उनको फ्यूज किया गया और उससे एनर्जी निकली और साथ में क्या बना, एक फ्री न्यूट्रॉन। ये क्रिया भी अब ऐसे ही लगातार चलती रहती है और उससे एनर्जी बनती रहती है। लेकिन इसमें हमारे सामने चुनौती क्या है, अब जब हम ये फ्यूज़न करेंगे तो इसमें चुनौती क्या होती है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि फ्यूज़न जो है वो केवल वेरी हाई टेम्परेचर में ही पॉसिबल है। और ये टेम्परेचर कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये टेम्परेचर उतना ही होना जितना सूर्य की कोर का टेम्परेचर होता है। सूर्य की कोर का टेम्परेचर कितना होता है, यह होता है 27 मिलियन फारेनहाइट के बराबर। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर लैब में क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आएगी जब हम फ्यूजन करेंगे। और यह समस्या क्यों है, समस्या टेम्परेचर क्रिएट करना नहीं होता, समस्या यहाँ पे हमारी होगी कि उस इतने बड़े टेम्परेचर को क्रिएट करके हम किस धातु में रखेंगे। हमारे पास कोई भी धातु ऐसी नहीं है जो इस टेम्परेचर को बियर कर पाए। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे सामने आता है एक नया टर्म जिस टर्म को बोलते हैं प्लाज्मा। इतने हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं केवल प्लाज्मा पे ही। और यहाँ पे भी समस्या हमारे पास क्या आ जाती है कि प्लाज्मा की एक टेंडेंसी होती है कि यह बहुत तेजी से फैलता है, बहुत इतनी अधिक तेजी से फैलता है कि इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो न्यूक्लियर फिजन में सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, पहले तो हाई टेम्परेचर की, उतना ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करना। अब जब हम टेम्परेचर क्रिएट भी कर लेंगे तो उसे सस्टेन करना, उसके लिए हमें प्लाज्मा चाहिए होगा। अब प्लाज्मा के साथ एक नई समस्या है कि उसको हम बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए प्लाज्मा को रोकेंगे कैसे। इन समस्याओं को पीछे रखते हुए यदि हम न्यूक्लियर फ्यूजन के फायदे देखें तो वह इतने ज़्यादा हैं कि ये समस्याएं अपने आप में छोटी हो जाती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बेनिफिट्स के बारे में। उनमें सबसे पहला बेनिफिट होता है, इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसका हमारे पास उदाहरण, इसका उदाहरण हमारे पास सूर्य खुद है जो लगातार हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है और वो खत्म नहीं हो रही। तो इसी से प्रेरित होकर न्यूक्लियर फ्यूजन को भी वैज्ञानिक लगातार लैब में ट्राई करते रहे। यदि इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा हमें मिल गई तो हमारी कोयले पर से निर्भरता पूर्णतः खत्म की जा सकती है। इसीलिए लगातार न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए वैज्ञानिक प्रयास करते रहे। अब यदि हम दूसरे बेनिफिट की बात करें तो यह दूसरा बेनिफिट है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न में CO2 और जो दूसरी अन्य खतरनाक गैसेस हैं वो एमिट नहीं होती। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो GHG की समस्या
अर्थात जो ग्रीन हाउस गैस की समस्या हमारे सामने है उससे निपटा जा सकता है। तो इस प्रकार न्यूक्लियर फ्यूज़न ना तो GHG निकालेगा और ना ही उसमें किसी अन्य प्रकार का वेस्ट निकलेगा, जो हमारे लिए एक अच्छी बात होती है और हमारे वातावरण के लिए भी फ्रेंडली हो जाएगा। यदि हम इसके दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका हो जाता है कि इसका रॉ मटेरियल है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन वातावरण में अबंडेंट मात्रा में। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत तो हमारे पास वाटर खुद हो जाता है। वाटर से ही हम हाइड्रोजन को सेपरेट करके उसको ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी समस्या जो रॉ मटेरियल की समस्या होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब इसको अगर हम बात करें कि यूनिवर्स में क्या, यूनिवर्स में खुद में हाइड्रोजन है, तो हम जानते हैं कि अबंडेंट मात्रा में यूनिवर्स में हाइड्रोजन पाया जाता है और जल तो हमारे पास है ही। तो हम इन दोनों का प्रयोग करके, लगातार न्यूक्लियर फ्यूज़न का प्रयोग कर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब बेनिफिट्स को जान लेने के बाद अब यह जान लेना भी ज़रूरी हो जाता है कि कोई विश्व स्तर पर प्रयास हैं क्या न्यूक्लियर फ्यूज़न को कंप्लीट करने के लिए। तो हाँ, इसके लिए सबसे बड़ा प्रयास है ITER। ITER का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। यह ITER प्रोजेक्ट विश्व के विभिन्न देशों में एक साथ प्रयास किया गया है। इनमें कौन कौन शामिल है? इसमें सबसे पहले नाम आता है चाइना, उसके बाद EU, इंडिया, जापान, रशिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट। इस प्रकार कुल 35 देश मिलकर ITER परियोजना में काम कर रहे हैं और लगातार न्यूक्लियर फ्यूज़न को कंप्लीट करने का प्रयास भी कर रहे हैं। यह कब से प्रारंभ हुआ था? यह 1980 के दशक में शुरू हुआ था और इसमें 2035 तक इसके कंप्लीट होने की संभावना है। अब यहाँ यह गौर करने की बात है कि 2035 में केवल टेस्ट रन कंप्लीट होगा, अर्थात 2035 में जो हमें इससे ऊर्जा मिलेगी उसका हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज़ नहीं कर पाएंगे। वह केवल यह कंप्लीट कर देगा कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम कब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर पाएंगे, उसके लिए हमें अगला डिकेड भी लग सकता है। तो हम यह मान के चल सकते हैं कि लगभग 2050 तक हम न्यूक्लियर फिजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगेंगे और उसको सामान्य जन यूज़ कर पाएंगे। तो इसमें अभी लगभग 30 वर्ष का समय लग सकता है। अब इस सब को जानने के बाद हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमने बात की थी कि प्लाज्मा को कंटेन कैसे करेंगे। प्लाज्मा तो क्रिएट हो चुका है लेकिन वह एक्सपांड करेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई थी, उसका नाम था टोकामैक। तो टोकामैक होता क्या है? इस टोकामैक के द्वारा एक डोनट के शेप में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है, चारों तरफ किसके, प्लाज्मा के चारों तरफ डोनट के शेप में इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और इसके अंदर प्लाज्मा बना रहता है। तो अब प्लाज्मा एक्सपांड नहीं कर पाता और हम फ्यूज़न की प्रोसेस उसमें कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार हम न्यूक्लियर फ्यूज़न को लैब में कंप्लीट कर सकते हैं और इसके द्वारा कैसे एक आर्टिफिशियल सन बनाया जा सकता है जो लगातार हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। आगे ऐसी ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.